पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ भड़के भाजपाई। दिग्विजय सिंह के भाजपा और बजरंग दल पर ISI आतंकवादी संगठन को बढ़ावा देने संबंधित बयान को लेकर भाजपाइयों में आक्रोश देखने को मिला। दिग्विजय सिंह का पुतला फूंक कर भाजपाइयों ने विरोध जताया। दिग्विजय सिंह के खिलाफ कराया गया मुकदमा दर्ज। बीजेपी नेता सतीश अरोड़ा ने कराया केस दर्ज। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का है मामला। चंदौसी में गणेश चतुर्थी पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे बीजेपी के नगर विकास मंत्री महेश गुप्ता ने बताया दिग्विजय का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। चंदौसी कोतवाली में दिग्विजय सिंह के खिलाफ जो है कल तहरीर दी थी शाम को लगभग 7 बजे। कारण ये था कि दिग्विजय सिंह ने जो है एक घिनौना अपराध किया है और आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर और हिंदूवादी संगठनों पर कि वो पाकिस्तान की ISI संस्था से पैसा लेकर के आतंकवादियों को मदद करते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता और हिंदू लोग जो है राष्ट्र प्रेमी हैं, भारत की अखंडता के लिए वो अपने प्राणों का भी बलिदान कर सकते हैं। इतना घिनौना अपराध जो कभी जीवन में हमने सुना नहीं। सबसे ज़्यादा घिनौना अपराध जो उन्होंने किया है वो पाक के नागरिकों को खुश करने के लिए और विशेष वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए हिंदुओं पर इस तरीके का ये आरोप लगाते हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि ये FIR लॉज हो और लॉज होने के बाद जो है उनकी गिरफ्तारी हो सके। FIR तो जो हो चुकी है और क्या चाहते हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप? हम चाहते हैं कि FIR लॉज होने के बाद इसमें दो धाराएँ लगाई हैं। एक तो धारा लगी है मानहानि की जो 500 के अंतर्गत है, दूसरा मानसिक उत्पीड़न की धारा लगी है। इसमें अभी दो धाराएं लगना और बाकी हैं। IO से आज हमने निवेदन किया है कि इसमें जो है आप FIR को बढ़िया तरीके से पढ़ें और इसमें दो धाराएं, जो एक देशद्रोह की धारा लगती है और एक धारा इसमें और बनती है, उन दो धाराओं को बढ़ाएं। और उन्होंने हमें वायदा किया है कि इन FIR को पढ़ने के बाद इसमें दो धाराएं अगर बढ़ती होंगी तो अवश्य बढ़ाई जाएंगी। और हम उनसे मांग करते हैं कि 7 दिन में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को, जो कि घिनौना अपराध जिन्होंने किया है, उन्हें गिरफ्तार करके चंदौसी कोर्ट में पेश किया जाए। नहीं, जिस तरह का उन्होंने एक तरीके से एक बड़ा गंभीर बयान दिया है उनके ऊपर आपकी पार्टी पर से कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह से कुछ कह रहे थे उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि बीजेपी और RSS के लोग हैं ISI में जासूसी करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। ये तो बहुत एकदम राष्ट्र वाला जैसा इस्तेमाल बयान है। बीजेपी और संघ के लोग, बजरंगल के लोग राष्ट्र के लिए काम करते हैं और जो इसके बोलेगा वो स्वयं उसका संतुलन खराब है। इसका जो जीता जाता है जो भी हमारे